खानपुर यही है ये खानपुर गांव की सीम है। हाँ हाँ खानपुर तो इसकी लिमिट चुके हैं। ये तो जो बासमती है ना बहुत थोड़ी वो भी 5-10% ही रही है, वो भी लगभग हार्वेस्टिंग हो चुकी है। ठीक है वेस्ट बचता है जैसे ये बच गया। ठीक है जी तो ये पॉल्यूशन का अपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है NGT है ना बना नेशनल ग्रीन बिलर आया है। ठीक है से इसकी पत्तियों की वो बन जाती है गट्ठे बन जाते हैं गट्ठे बन जाते हैं वो हमारे पास कोयला गुटका बन ये ठीक है सर यो अरे चाय बना रहे हैं गुटका कोयला को नई गाड़ी आ रही है नहीं होगी तो ये अच्छा हो गया हरियाणा ब्रिक्स कंपनी प्रदूषण जो एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है जिससे यहाँ NCR रीजन के अंदर स्मोक का जो प्रकोप फैला हुआ था उस संदर्भ में माननीय NGT के जो फैसला है PCA का फैसला है उसकी रूपालना में एक तो जो किसानों का जो स्ट्रा बच जाता है उसको उसकी मैनेजमेंट से संबंधित 2-3 गांव के विजिट की उनके किसानों से बात की गई है तो इंद्री सब डिवीजन में देखने में आया है कि अब वो पहले से जो हमारी एनफोर्समेंट रही है वो अच्छी दुरुस्त रही है तो उसकी वजह से अब कोई पराली नहीं जला रहा है। 2-3 गांव के किसानों से मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर मिला हूं और उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी की है और उन्होंने अश्योर भी किया कि नहीं अब तो हम पराली नहीं जला रहे हैं बल्कि उसकी सही मैनेजमेंट कर रहे हैं। दूसरा कुछ ढाबों पे हमने विजिट किया है तो तकरीबन ढाबों पे LPG का इस्तेमाल हो रहा है जो कमर्शियल है तो जहाँ तक कोयले की बात है कोयले 2-3 ढाबों मैंने जो पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर चेक किए हैं उनके अंदर भट्ठा ढाबों वालों ने कोयला इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कुछ एक भट्ठों पे गुटखा इस्तेमाल करने की भी बात आई है तो उसको भी कहा गया है कि गुटखा इस्तेमाल ना करें गैस पे ही रहे ताकि प्रदूषण ना फैले। तीसरा हमने एक दो भट्ठों को चेक किया है जो ब्रिक क्लिन हमारे यहाँ है जहाँ से ईंटें बनती हैं तो वो जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर भट्ठा ना चलाएं तो इंद्री सब डिवीजन में देखने में आया है कि वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पे काम जोरों पर है। सभी भट्ठा मालिक जिगजैग टेक्नोलॉजी से को अडॉप्ट करके ही भट्ठा चलाएं ऐसा हमने अपील की है और सभी किसान भाइयों से सभी भट्ठा मालिकों से सभी ढाबा मालिकों से मेरी तीनों ही मालिकों से मेरी अपील है इंद्री सब डिवीजन में कि कोई भी किसान अपनी पराली स्ट्रा वगैरह ना जलाए। ढाबा मालिक जितने भी हैं वो अपने यहाँ LPG का इस्तेमाल करें कोयले और गुटखों का इस्तेमाल ना करें। तीसरा भट्ठा मालिक जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर अपने भट्ठे को ना चलाएं नहीं तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। स्ट्रा मैनेजमेंट के ऊपर जो ये पराली है ना नाजलाई हमने किसानों को पूरा अवेयर किया है और इसके हमारे पास 2-3 इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे हैं जैसे कि हम हैप्पी सीडर से इसकी बिजाई कर सकते हैं स्टबल के अंदर ही और जीरो टिलेज से भी हम इसकी बिजाई कर सकते हैं फानों में ही और एक इसकी जो हमारे पास स्टा बेलर नाम का यंत्र आया हुआ है जिससे कि पराली के गट्ठड़ और इसकी जो है गन्ने की पत्ती के भी वो बंडल बनाए जा सकते हैं और जो कि उसमें गत्ता मिल में और ये हमारे बिक इसकी सेल हो जाती है जिससे कि उनको 2-2.5 हज़ार रुपये की एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। हमने ना उनके 71 किसानों के चलान किए हैं ये क्या नाम है 1,07,000 रुपये अभी तक हमने जुर्माना किया है। वो जागरूक हुए हैं अब किसान बहुत कम जला रहे हैं।